14 अगस्त की रात बहुत इंटरेस्टिंग नाइट है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ जो कि पाकिस्तान का कैपिटल है। अभी 13 अगस्त है, 13 अगस्त की रात, जल्दी 14 अगस्त होने वाली है। फायरवर्क्स होंगे, आई होप कि गन्स ना चलें, गिफ्टिंग होगी, वीली होगी, लेकिन ये सब हम हर बार मिस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि व्लॉग यार मैंने बड़े कम देखे हैं, जो भी देखे हैं वो फेसबुक के छोटे छोटे कट्स में देखे हैं। तो आज आपको सारी कंपाइलेशन करके सब कुछ करके सदर में जो 14 अगस्त मनाई जाती है उसका एक लम्हा मिस ना करें। उस साइड हम सीधा कीगा मॉल की तरफ गए थे क्योंकि सदर में बहुत हाई सिक्योरिटी थी, उसका एक लम्हा मिस ना करें। हम हर बार जब भी 14 अगस्त होती थी रात के टाइम नहीं जाते थे क्योंकि उस टाइम हम छोटे हुआ करते थे। सुबह के टाइम हम जैसे ही सदर जाते थे तो रोडें काली हुई होती थी, ब्रेक लगा के ड्रिफ्ट कर करके टायरों के निशान पड़े होते थे। दिस इज़ 14 अगस्त व्लॉग बाय पिंडी बॉयज, क्योंकि आज सिर्फ पिंडी बॉयज होगा। अभी सबसे पहले हम जाएंगे मेरे दोस्त के घर मानी के पास। चल चल चल, पैसे देना पहले, मैं फिर सही बात करूँगा। ये जी रिश्वत है, अब रिश्वत मिली है। मानी बहुत अच्छा है यार, बहुत क्लास है, बड़ा फनी, बड़ा अच्छा। ये मेरे साथ इसने कॉलेज किया है और उसके बाद हमारी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है इसमें बहुत तेज था। ये देसी बंदा है, ये प्योर देसी बंदा है। मैं तो थोड़ा सा शेफर टाइप हूँ। ये इसको पाकिस्तान में ये किसी कोने में चला जाए ये सरवाइव कर लेगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। ये ऐसा बंदा है कि मेरा दिल करता है कि अगर मेरे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन हो तो मैं इसके अंडर रखूँ, क्योंकि ये बंदा बड़ा यार है, इस पर ट्रस्ट भी किया जा सकता है। दूसरा ये लीडरशिप वाला बंदा है। मानी 5 रुपये में इतना ही होता है, इतना भी काफ़ी है, बाकी पैसे वापस दे। बाकी ये मैं और हारिस भाई, हारिस भाई तो आपको सीन दिखाएंगे। कोरोना का दिन चाह रहे हैं तो मास्क लाजमी, मास्क लाजमी है। मैं अपना घर छोड़ आया हूँ, मम्मी ने कहा था ले लो, सीन आ गया, अब जेब में डाल दो। कल ऑफिस पहन के जाना, वो इंटर नहीं होने, मेडिकल स्टोर के बाहर गए, इंटर नहीं होने देर थे, अंदर देखा किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ। और हाँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना और ये घंटी वाले बटन को लाजमी दबाना भाई, ठीक है? बिल्कुल सही बोला है। अभी थोड़ी देर पहले मानी ने मुझे कहा कि भाई बाइक नहीं मिल सकता, ठीक है बंदे तीन हैं, एक ही बाइक में जाएंगे। मैंने कहा चलान हो गया, फिर कोने में बैठ जाएंगे। मानी ने मेरे कहने पे घर बात की, कहता है कि यार मैंने तेरी बात की तो उन्होंने बाइक दे दिया, जो बड़ा अच्छा लगा कि असल में से जानते नहीं अभी ना। उनको पता है लड़का अच्छा है, वीडियो बनाता है, सही वीडियो बनाता है, लाज पास पहाड़ दूर से प्यारे लगते हैं। ओ जी लो भाई, इस बार की 14 अगस्त भी ठंडी पाएगी। यारा सदर में तो सारा सीन ऑफ है क्योंकि सदर में हाई सिक्योरिटी है, कोई अल्टर बाइक, कोई ऐसी वैसी गाड़ी कुछ नहीं सकती, सिर्फ फैमिली प्रोग्राम है या खाना पीने का है, बाकी सारा सदर में आउट हो गया। इस बार सिक्योरिटी जिस तरह की हाई हुई हुई थी पहले कभी नहीं देखी। अयूब पार्क जाना है, किधर जाना है? अयूब पार्क वाले शहर जाते हैं, वहाँ होगा। मानी पाकिस्तान का मतलब क्या है? बाजे व्हील सिलेंसर लाओ। लो जी प्लान हो रहे हैं एक एक करके कैंसिल। बनाने आए थे हम व्लॉग, लेकिन वापसी में ना फेसबुक की डीपियाँ ही बन के जाएंगी क्योंकि हर तरफ सिक्योरिटी हाई है। इमरान खान साहब ने इस बार हमें पूरी तफरीह करने का मौका बिल्कुल नहीं दिया, लेकिन जानी कहते हैं ना पिंडी पिंडी है, चलो आपको दिखाते हैं पिंडी है क्या। सदर इस वक्त पूरा सिक्योर हुआ हुआ है, पुलिस अपने बड़ा अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है। पूरे सदर पे इसमें कोई तफरी नहीं कर सकता, कोई बाजे वाले बाइक नहीं लेके आ सकता। तो मानी भाई ने कहा है कि यू पार्क में ज़रूर तफरी होगी, उसके बाद जी गीगा माल में जी एंड में जी हैप्पी एंडिंग होगी जी फायरवर्क्स की। पहली 14 अगस्त है जिसमें सदर में सब कुछ नहीं हो रहा। जनाब खाली है, खाली है जनाब पार्क तो खाली पड़ा हुआ यार, बंद है भाई। कहाँ गया वो रहा? अच्छा यार अभी हम बाइक बदल रहे थे तो एकदम से हमारे सामने खुसरे आ गए, नाच रहे और कह रहे रुको रुको, बड़ा खतरनाक सीन है यार ये। और पुलिस के बिल्कुल ये बंदा शौकीन है। सबसे अजीब बात है पुलिस की चौकी ये थी और उसके ठीक कोई मेरे ख्याल से 100 मीटर के बाद या 50 मीटर के बाद, 50 मीटर के बाद वो खड़े हुए। मानी कहता है घोड़ों का शोरूम है वो, इनके बन गया यार, वो देखो ना अस्तबल है वो, 5 अस्तबल है यार, कहाँ से लगाया। मानी भाई एकदम में आ गए लगता तो है, ये लिखा तो है इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम भाई, इधर 12-1 बजे तक
मॉल से लोग सही टैग करके बंबू मॉल होगा बंबू हर साल आते हैं हर साल आते हो भैया हर साल नहीं कदा कबार इधर बाहर हम बैठे हैं गार्डन में फुल एंजॉयमेंट दे रहे हैं कमा के छीक रहे हैं कोई बर तो नहीं रहा है भाई जी गीगा तो आ गया है। मानी ने कहा है जल्दी से जो यू टर्न लेना है वो पहले से ले के बाइक दूर पार्क कर लो ताकि जब फंक्शन ख़त्म हो या बहुत बड़ा मसला हो तो हम पहली फुर्सत में फरार हो सकें। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, वो ज़रा दिखाएं। इस वक्त ये बगैती चल रही है, बड़े जोश व खरोश से चल रही है। उधर पार्किंग पे लगाया उन्होंने कहा इधर करो, इधर हम बाइक को डबल लॉक कर रहे हैं, एक अगले टायर को एक पिछले टायर को, ताकि कोई ले के ही ना जा सके। अभी हम गीगा मॉल के बिल्कुल फ्रंट पे हैं और इस जगह जिस जगह हम खड़े हुए हैं ये जगह सबसे बेस्ट है। अगर मैं गाड़ी काबू से बाहर हुई तो हम साथ ही जाएंगे। इधर इतनी बेगैरती है जिसकी कोई याद नहीं है। अभी एक मिनट मानी भाई, पंजाब पुलिस आई थी, क्या हुआ है? पंजाब पुलिस तो आई है ना, इस्लामाबाद पुलिस आई थी। पंजाब पुलिस का पता है कि नहीं है बाबा जी, इस्लामाबाद दो आए हैं तो अभी चुप करके निकल गए। उन्होंने कहा खैर है, लेकिन यहाँ फायरिंग हो रही है इधर, मगर पुलिस उधर, पुलिस लेफ्ट जाती है, ये राइट भाग जाते हैं, पुलिस राइट जाती है, लेफ्ट भाग जाते हैं। फायरिंग भी हो रही है, पटाखे भी बज रहे हैं। ये टिकटॉक वाली हवा में यार, मैंने पहली बार लाइव टिकटॉक वाली हवा देखी है, बड़ा मजा आया है। ओ भाई जी, टिकटॉकर से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उल्टा झंडा पकड़ के बनाओगे ते हेटर नहीं ते फिर की आसी। जितने भी इधर आज अपना दिखाएंगे कि हम 14 अगस्त बनाने हैं, सारे टिकटॉक बनाने हैं। इधर कोई भी 14 अगस्त बनाने नहीं, सिर्फ 15 अगस्त को क्या होता है, 15 अगस्त मैकेनिकों का दिन होता है, सारे गाड़ियों वाले मोटरसाइकिलों वाले फिर उनके पास जाते हैं 14 अगस्त को आज़ादी मना के। हम आपको बड़े बड़े नमूने दिखाएंगे इधर रावलपिंडी के, पिंडी के सारे 6 टिकटॉकर सारे इधर आएंगे। अभी आप देख सकते हैं 6, आप समझ गए होंगे। ये समझ रहा था कि अगर हम इसके फ्लैग की वीडियो बनाएंगे जो इसके टिकटॉक के व्यूज है वो हमें मिल जाएंगे। इमरान नाम है अमाद। मैं इंडिया को चैलेंज करना चाहता हूँ, अगर इंडिया के किसी शहर में भी 15 अगस्त को इस तरह आज़ादी मनाई जाती है तो आप वीडियो अपलोड करें, मैं आपको खुला खुला चैलेंज देता हूँ। जय पाकिस्तान और खास तौर भैया पिंडी बाबा जी, पिंडी पिंडी। और जो चैलेंज कबूल करता है उसको 250 रुपया मेरी तरफ से, 4 मिनट बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान आज़ाद हो जाएगा। राम भाई, राजू सरकार, राजू सरकार मेरा नाम राज है। ये है हमारा पाकिस्तान। आज हम गर्व से कहते हैं कि एक मुल्क है, एक जगह है जिधर हम खुल के रहते हैं, अपने अपने रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, कोई रोक टोक नहीं, ना कोई आपको मारेगा। हम किसी से बहुत आगे नहीं या किसी से बहुत पीछे नहीं, हम जिधर हैं वो हमारे लिए परफेक्ट है। न जाने कितने मुल्कों ने दबाने की कोशिश की मगर फिर भी उठ के आ जाते हैं। हम कौन हैं? हम जो भी हैं, हम वो हैं
जो अपने आप को जानता है, जो अपने वजूद को जानता है, जिसको ये गलत फहमी नहीं है कि क्या ये मेरा है, क्या ये मैं हूँ। हम पाकिस्तानी हैं, हमने सोच समझ के अपनी राहें बांधी थी और आज हम आज़ाद हैं और हम पाकिस्तान हैं। अपने मुल्क का नाम गर्व से लेते हैं और अपने मुल्क को हम गर्व से देखते हैं। अब मेरे जाने की वो घड़ी आ गई। मेरी वीडियोस इतनी हाई क्वालिटी की नहीं है क्योंकि इस वक्त मैं एक फ़ोन ब्लॉगर हूँ। आपका अगर ये प्यार रहेगा मेरे साथ तो मैं शायद फ़ोन से कैमरा ब्लॉगर बन जाऊँ। आपने मुझे बहुत सपोर्ट दिया, शायद कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट दिया, जिसका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अपना ख्याल रखना और मेरी नेक्स्ट वीडियो साथ ही लगी हुई है, क्लिक कर दो, देखो उसमें क्या रखा है मैंने आपके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।